dil machila de re I got broads in the land just to be in the family credit cards in the scams hitting the licks in the van ram ram hindustan han ji bhai logo kya hal hai तो आज है शनिवार और मैं आया हूँ ताइवान में घूमने चोचन। चोचन एक ऐसी जगह है ताइवान का, एक स्मॉल टाउन है और यहाँ पर है ना डायनासोर के जो फॉसिल्स मिले थे इसके आसपास के एरिया में ना, तो यहाँ पे एक म्यूज़ियम बना दिया। तो मैंने सोचा कि चलो यार ये तो बहुत स्पेशल है, एक छोटा सा आइलैंड है हरियाणा जितना 33-34 किलोमीटर का और यहाँ पर भी देखो कभी मतलब कि डायनासोर रहता था। तो मैंने आज अपने दोस्त के साथ ये बैठा है इधर इनके साथ आया हूँ। मैंने अपना प्लान बना लिया कि भाई आज घूम के आते हैं डायनासोर। और मेरे पीछे ये देख रहे होगे यहाँ पे बच्चे, अभी मैं बाहर मतलब धूप तो हो रही थी वहाँ, तो यहाँ पे आके बैठ गया थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तो अब मैं जा रहा हूँ अंदर, टिकट लूँगा और फिर टिकट लेने के बाद फिर घूम के और दिखाता हूँ अंदर क्या क्या है डायनासोर का। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बता रहे थे डायनासोर का, अभी कुछ वेल से रिलेटेड भी है और मेहमत जो एलिफेंट है उसका भी है, मगर मेरे को लगता नहीं कि यहाँ का होगा, वो शायद आउट ऑफ कंट्री का है, यहाँ पे सिर्फ म्यूजियम में दिखाने के लिए है। तो चलो टाइम ख़राब नहीं करते हुए चलते हैं घूमने और दिखाते हैं आपको डायनासोर। के ऊपर बारिश हुई फिर समुंदर बन गया और फिर समुंदर बनने के उसके अंदर कुछ जीव पैदा हुआ, जीव पैदा होने के बाद उसमें क्या कहते हैं फिर मछली बनी, फिर मछली के बाद बड़ी मछली बनी, ऐसे चलता रहा प्रोसेस। तो इसी के अंदर फिर एक प्रकार की मछली थी जो कि क्या कहते हैं डायनासोर से काफ़ी सिमिलर थी देखने में जैसे उसके, और डायनासोर की भी काफ़ी प्रजाति होती है, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, पर उन्होंने बस ये दिखाया कि हाँ यहाँ पे एक डायनासोर की जैसी प्रजाति बनी। फिर उससे एक बहुत बड़ी मछली थी जो डायनासोर वाली थी, वो भी मछली थी, वो पानी के अंदर ही था, उससे एक बड़ी मछली थी, वो डायनासोर वाली मछली को खाने के लिए दौड़ता और भगते 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 फिर एक चट्टान के अंदर वो दौड़ रहे थे समुद्र के अंदर ही, फिर वो एक पार कर जाता है एरिया। तो वहाँ पर ये दिखाया, अब मैं दूसरे वाली मूवी देखने जाऊँगा, वहाँ पर क्या है कि अब पहले तो जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो समुद्र के अंदर, अब बाहर है जो समुद्र से अंदर भी रह सकते हैं वो जीव बाहर भी रह सकते हैं, कि अंडे से ही जो किसी माँ के जैसे गर्भ से बच्चा पैदा होता है, ऐसे ही जो हमारा जो पशुओं का है, जो मैमल्स का जो रेप्टाइल्स है उसमें जो कि पेट से पैदा होते हैं अंडे के रूप में पैदा नहीं होते। तो अब नेक्स्ट पार्ट होगा, तो अब आपको ये दिखाना था मेरे को, तो मैंने सोचा पहले एक्सप्लेन करूँ, तो पहले पार्ट में क्या था दूसरे में क्या था, और ये मेरे पीछे भी दिखा हुआ सारा का लिखा हुआ है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। हाँ जी दोस्तों, तो आपको ये जो स्केलेटल दिख रहा है ये किसी डायनासोर का स्केलेटल नहीं है,
ये एक वेल डॉल्फिन फिश का स्केलेटल है। इसी में चेंजेस होते 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 ये काफ़ी सालों के बाद एक डायनासोर बन गया। हाँ जी दोस्तों, तो आप जो मेरे साथ ये देख रहे हो डायनासोर और मछली के हड्डियों का ढांचा, ये किसी खुदाई में नहीं मिले, ये सारे नकली हैं। दिखने में बिल्कुल असली जैसे थे, मगर इनको सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए यहाँ पर रखा गया था, जो कि कुछ ऐसे मटेरियल से बनाए थे कि दिखने में ये बिल्कुल असली के जैसे लग रहे थे। और ये उन डायनासोर और मछलियों का स्केलेटल था जो कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले धरती पर अपना अस्तित्व रखते थे। जी दोस्तों, जो अब आप ये देख रहे हो ये सारे वेल फिश के असली फॉसिल्स हैं जो कि साउदर्न ताइवान के अंदर मिले थे। जी दोस्तों, तो अब आप जो बच्चे के हाथ में सेल फोन देख रहे हो, सेल फोन की स्क्रीन पर एक डायनासोर दिख रहा है। ये बच्चा अपनी मम्मी की फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश कर रहा है। तो इस एरिया के अंदर बहुत से ऐसे डायनासोर थे जहां पर कि आप उसके साथ फ़ोटो क्लिक कर सकते थे। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक डायनासोर आ जाएगा और आप उसके साथ फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, जो कि बिल्कुल देखने में ऐसा लगेगा कि आप डायनासोर के साथ ही खड़े हो। मेरे फ़ोन के अंदर वो ऐप इंस्टॉल नहीं हो रही थी, तो इस बच्चे ने कहा चलो मैं आपकी फ़ोटो क्लिक कर देता हूँ। तो उस टाइम पर ये बच्चा मेरी फ़ोटो क्लिक कर रहा है। ये जितने भी देख रहे हैं ना, छोटे छोटे फिशिंग, ये ना सारे ना असली वाले हैं। जितने भी जो भी इस टाइम के थे पुराने वाले जीव जो मच्छी थी उनका श्रीम का उनके फॉसिल्स हैं ये सारे। और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पर मिल रहे हैं, ये जो जितने भी फॉसिल है सारे एक जगह के नहीं है। Thank you.
हाँ जी दोस्तों, तो ये मेरे पीछे आप देख रहे होगे ना, ये पूरे प्रोसेस दिखा रखा है इन्होंने कैसे 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 कि भाई डायनासोर की क्या कहते हैं उत्पत्ति हुई। पहले समुद्र के अंदर एक जीव पैदा हुआ, उस जीव से दूसरा जीव, वो जीव देखने में क्या कहते हैं मतलब कीड़े जैसा है, कीड़े के बाद फिर एक वो श्रिम्प जैसा मतलब केंचुए जैसा है, केंचुए के बाद श्रिम्प जैसा है, एक उसका आकार बदलता है, श्रिम्प के बाद जैसे वो फिर दूसरी तरह का कीड़ा बनता है, दूसरी तरह का कीड़े के बनना फिर एक लॉबस्टर बनता है। ये सारे समुद्र के अंदर रहने वाले जीव हैं। लॉबस्टर के बाद फिर एक मछली है, मछली के बाद दूसरी तरह की मछली है, तीसरी तरह की मछली है, चौथी तरह की मछली है, फिर मछली में एक पंख वाली सी मछली दिखा रखी है, पता नहीं वो है क्या, पर है मछली। फिर ऐसे चलते 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 ये वो घूमते घूमते मछली के बाद आ जाते हैं, टर्टल आ गया, टर्टल के बाद फिर टोर्टोइज आ गया, टोर्टोइज के बाद फिर भालू आ गया, भालू के बाद हाथी आ गया, हाथी के बाद फिर ऐसे ही दूसरा प्रोसेस दिखा रखा है पूरा, मतलब पंखी का भी है, बर्ड का भी है, ऐसे सारा मतलब कि समुद्र से शुरुआत हुई, फिर जमीन पर आ गई, जमीन से भी उड़ने वाले पक्षी की दिखा दी, मंकी की दिखा दी, और फिर आखिरी में जाके डायनासोर का हुआ। तो पूरा यहाँ पे एक प्रोसेस ये दिखाया हुआ है कि भाई कैसे डायनासोर की उत्पत्ति 520 मिलियन साल पहले। हाँ जी दोस्तों, तो वहाँ पर डायनासोर म्यूज़ियम के अलावा एक अलग से फॉसिल हॉल था, जिसके अंदर की समुंदर के अंदर रहने वाले अलग अलग जीवों के फॉसिल्स रखे गए थे, कुछ एनिमल्स के फॉसिल्स रखे गए थे, डायनासोर के फॉसिल्स भी थे, और तो और कुछ ह्यूमन स्कल्स के फॉसिल्स भी रखे हुए थे। हाँ जी दोस्तों, तो यहाँ पर डायनासोर म्यूज़ियम के अलावा एलिफेंट का भी म्यूज़ियम था, जो कि मुझे बाद में पता चला। तो डायनासोर वाले म्यूज़ियम में घूमने के बाद मैं एलिफेंट म्यूज़ियम में आ गया। हाँ जी दोस्तों, तो ये है द एलिफेंट फैमिली एग्जीबिशन हॉल। इसके अंदर एलिफेंट फैमिली के मैमद हाथी का स्केलेटल के कुछ फॉसिल्स रखे हुए थे, जिन्हें कि एक आयरन रोड से पूरा हाथी बनाकर उसमें कुछ कुछ हिस्सों में जो फॉसिल्स मिले थे उन्हें रखा गया था। और दूसरी बात, इनमें से एक भी फॉसिल ताइवान के अंदर नहीं मिला, ये सिर्फ दूसरे देश से शो के लिए म्यूज़ियम में दिखाने के लिए लाए गए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप मैमद हाथी के कुछ पैरों की हड्डियाँ, कूल्हे की हड्डियाँ, रीढ़ की हड्डी और माथे की हड्डी को देख सकते हो।
बड़ा बहुत सी पूल है, मतलब पहले ओशन में था अभी लैंड हो गया। दोस्तों यहाँ पे ना एक से एक पुराना डायनासोर का बना के रखा हुआ है, रेप्लिका का है, नकल बना रखा है। ये वाला जो है 520 लाख साल पुराना है। ये वाला 312 मिलियन साल पुराना है। ये वाला 270 मिलियन साल पुराना है। ये तो बिल्कुल नया तो नहीं है, 75 मिलियन साल पुराना है। ये वाला डायनासोर है जो क्रोकोडाइल के बाप परदादा दादा परदादाओं की पुरानी प्रजाति है। ये उसमें लिखा हुआ है क्रोकोडाइल के सिस्टर। ये जो उड़ने वाला डायनासोर था ना, उस पर जाती थी ये, तो सारा यही था जो हमारा था घूमने का। आज लगभग हो गया अपना ख़त्म ना। ये है जो लार्जेस्ट बर्ड ऑन द प्लेनेट था, काल नहीं रहा है। इनके सिर्फ 5 पंजे या 4 पंजे नहीं थे, सिर्फ 2 टोज़ थे इनके ना। हाँ जी दोस्तों, तो मेरा आज का जो डायनासोर म्यूजियम था वो पूरा देख लिया मैंने। तो फाइनली अब मैं यहाँ पे हूँ अपने आखिरी दौर पे। अभी ये देखा है तो इसमें क्या बता रहे हैं कि आज से लेकर रिसेंट टाइम पीरियड से वो 520 लाख साल पुराने तक ना, ये पूरी डायनासोर की एक हिस्ट्री बता रखी है कि कैसे उनकी शुरुआत हुई और कैसे अंत हुआ। और जो अब जो लेटेस्ट इन्होंने बता रखा है वो ये है शतुरमुर्ग जो ऑस्ट्रिच है। ये भाई जो इसके अंदर जो क्वालिटी जैसे विंग्स हो गए, नीज हो गया, बोन्स हो गए, इनकी क्वालिटी और डायनासोर की काफ़ी सिमिलर थी। और इसके ना 2 टोज़ हैं, मेरे को आज ही पता लगा, पहले नहीं पता था। और उसके बाद जिन्होंने बर्ड्स का बता रखा है, ईगल का, पिजन का ऐसे। और फिर उसके बाद ये जो है ये वाला ये उसका क्या है, क्रोकोडाइल से सिमिलर है ये ना, तो ये क्रोकोडाइल से सिमिलर है इनका। और फिर मतलब क्रोकोडाइल से सिमिलर का मतलब ये है कि डायनासोर से जो घटती प्रजाति वो क्रोकोडाइल है। उसके पुराने ऐसे पीछे ऐसे ये 270 मिलियन साल, 320 मिलियन साल की आखिरी जो है 520 मिलियन सालों तक का दिखा रखे हैं। तो अब ये हिसाब है, अब चलते हैं अपने घर की तरफ। तो बस मैंने सोचा था आज फ्री टाइम है, ये देख के आता हूँ और आप लोगों को भी दिखा देता हूँ कि भाई ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है और इसमें भी देखो कभी डायनासोर है ना, डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं यहाँ पे। आपको मैंने किया था और काफ़ी पब्लिक है, अच्छा है। तो मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। सी यू।